हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू द कंसेप्टूट्यूब चैनल सो लेट्स डिस्कस आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज सौरभ पांडे अन अकेडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कोर्स आपका लॉन्च होने जा रहा है दैट इज़ जोग्राफी एन्वायरमेंट साइंस के करंट अफेयर्स को हम डेढ़ साल का जो करंट अफेयर्स कवर करेंगे और ये जो करंट अफेयर्स बहुत यूनिक होंगे यूनिक इसलिए होंगे इसका रीज़न सबसे बड़ा है कि बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज़ जो है वो फॉलो होंगे डिफरेंट मैगजीन्स और इंटरनेशनल जर्नल्स जहाँ पे आपके इन एरियाज से प्रश्न फ्रेम होते हैं जो आपको देखने में लगता है कि बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है बट वो उनका सोर्स आपके करेंट रिसर्च और उन पर रहता है तो ये सारा आपका कवर होगा इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज बाईस तेईस के लिए लॉन्च हुए तो आपके पास मौका है एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने का एक प्लान तरीके से प्रिपरेशन करने का इंडिया के टॉप एट्टी प्लस एजुकेटर्स के साथ मिलकर जो है अपनी प्रिपरेशन करें और साथ में आपके ऑप्शनल है टेस्ट सीरीज़ है सारी चीज़ें इनको अवेल करने के लिए आपको करना सिर्फ ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है वन ईयर या टू ईयर्स का आप कोड इस्तेमाल करें एस पी एल आई वी ई इस कोड का इस्तेमाल आप करें एस जिससे आपको डिस्काउंट जो अमाउंट है दैट विल रिड्यूस इसमें आपको मेरे कोर्सेज होंगे और दूसरे जितने भी बैच कोर्सेज हैं दूसरे इंडिविजुअल कोर्सेज पूरे प्लेटफॉर्म को मतलब आप एक्सेस कर सकते हैं पूरे एक साल दो साल के लिए और आपके मेंटर भी आपको रहेंगे इंक्लूडिंग द टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं पहला जो प्रश्न आप, है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिसेंट मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका सोर्स है क्वेश्चन का डाउन टू अर्थ मैगजीन में जो अभी न्यूज़ पब्लिश हुई है एल सेलवाडोर बिकम फर्स्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री टू बी डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री सो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट एल सलवाडोर हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन सेंट्रल अफ्रीका टू गेट द मलेरिया मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट देखो अगर बेसिक जोग्राफी भी आपको पता है तो इट्स नॉट अफ्रीका इट्स अमेरिका ठीक है इट्स अमेरिका इन टोटल थ्री कंट्रीज इन ऑल द अमेरिकन ऑलरेडी डिकलेर्ड मलेरिया फ्री ये भी सही है मोस्ट रिसेंट रिस ऑफ द मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट्स आर अलजीरिया और अर्जेंटीना दो हजार उन्नीस में अलजीरिया और अर्जेंटीना को Uh, मतलब इसे मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट इन देशों को मिला था अब लेटेस्ट जो है वो है एल सैल तो करेक्ट आपको बताना पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो आंसर आपका टू एंड थ्री हो गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भीतर कनिका नेशनल पार्क तो इसके पीछे अगेन माइग्रेटरी बर्ड्स लीव चिल्का अर्ली एस समर्स देखो यही चीज आपको सीखनी है Uh, देखने में प्रश्न आपको लगेगा कि ये स्टेटिक्स है बट इनका सोर्स कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आर्टिकल आता वहीं से पब वहीं से सोर्स आपके पिक कर लिए जाते हैं देखने में जोग्रफ़ी एनवायरनमेंट, साइंस ये सब चीज़ें लगता है और है भी तो आप बेसिक पढ़ो फिर उसके बाद आपको जो कवरेज है जिस तरीके का कवरेज हम लोग कर रहे हैं उस तरीके के कवरेज पर फोकस करना है डिफरेंट सोर्सेज जो है वो आपको फॉलो करना आज से करंट अफेयर का मेरा कोर्स जो है और डिटेल्ड जो कोर्स होता है हैकेडमी वो भी शुरू हो रहा है तो जो मतलब इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं लेकिन आप नोट्स जरूर से करो अगर आप नहीं कर रहे हो तो नोट्स जरूर से आप आ, ले सकते हो उसको और द हिंदू में हम बहुत कवर करते ही हैं सुबह नौ बजे जो आपका लेट्स क्रैक यू पी सी चैनल पे है तो यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भीतर कनका नेशनल पार्क इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट कैनरापारा डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा ऑल्सो अपटेन द स्टेटस ऑफ रामसर साइड बिल्कुल सही है गाहिर मठा बीच एंड मेराइन सेंचुरी आर टू द ईस्ट सेपरेटिंग स्वैम्प रीजन एंड मैनग्रोव फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल अब देखो बहुत ही आ, मतलब ये इतना आसान नहीं है यहाँ ईस्ट की जगह वेस्ट लिख दें या कुछ ऐसा शब्द भी लिखा जाए यहाँ तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है रामसर साइड कमेंट सेक्शन में लेट लिटपिन किस आ, मतलब रामसर कन्वेंशन आपको किस ईयर से एनफोर्स हुआ है सो so यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं गाहिर मठा बीच एंड मेराइन सेंचुरी नेक्स्ट देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वीकनिंग ऑफ एटलांटिक मेरी ओवर टर्निंग सर्कुलेशन एम ओ सी इट रिज़ल्ट इन यहाँ पर अगर देखा जाए तो द गार्डियन में न्यूज़ पब्लिश हुई थी बहुत यूनिक टॉपिक uh, है जोग्राफी आप पढ़ते हो बट ये टॉपिक्स कवर करना जरूरी है आज के समय में जो डेवलपमेंट क्लाइमेट लेवल पर हो रहे हैं वो नजर होनी चाहिए आपकी खासतौर से मेन्स के लिए तो अटलांटिक ओशन सर्कुलेशन एट वीकेस्ट इन द मिलेनियम साइंटिस्ट जो कह रहे हैं सो so, यहाँ पे क्या है अटलांटिक मेरी ओवर टर्निंग सर्कुलेशन इट रिज़ल्ट इन मोर स्ट्रॉम्स बैटरिंग द बैटरिंग द यूके मोर इंटेंस विंटर्स एंड एंड इंक्रीज इन डैमिजिंग हीटवेवस एंड रॉट अक्रॉस यूरोप देखो एटलांटिक रीजन में जो सर्कुलेशन है डिफरेंट डिफरेंट जो करेंट्स फ्लो कर रही हैं गल्फ स्ट्रीम उधर से लेब्रोडॉर इरबिंग इरबिंग अंगर करंट कैनैरी करेंट, करेंट बहुत सारी डिफरेंट करेंट्स हैं जो कि अटलांटिक ओशन के अराउंड आपकी घूम रही हैं है ना जो कि आपकी घूम रही है तो अब यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की वजह से इन पर भी पता इनके मोमेंट पर भी परिवर्तन हो रहा है सो so, यहाँ पर क्या है कि एटलांटिक मेरी डियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन की जब बात करते हैं तो इट रिजल्ट इन ज़्यादातर स्ट्रॉम्ब्स जो यूके को अफेक्ट करते हैं इंटेंस विंटर एंड इन इंक्रीज इन डैमेजिंग हीट वेव्स एंड ड्रॉट अक्रॉस द यूरोप सो ये वीकनिंग ऑफ एटलांटिक जो ये मेरी डियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन का जो वीकेंड हो रहा है इससे ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी ए एम ओ सी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट ओशन सर्कुलेशन कैरिंग सरफेस वाटर सर्फेस वाटर फ्रॉम नॉर्थ एटलांटिक टूअर्ड्स द गल्फ़ ऑफ़ मैक्सिको तो यहाँ पे उल्टा है यहाँ पे फ्रॉम गल्फ ऑफ मैक्सिको टूअर्ड्स नॉर्थ एटलांटिक ये स्टेटमेंट आपका गलत है तो so, अगर आप मैप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से होते हुए और फिर ऊपर नॉर्थ एटलांटिक की तरफ पानी को ले जाना ए इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम ऑफ एंड डिस्क्राइबड एज द कन्वेयर बेल्ट दैट ब्रिंग वार्म वाटर फ्राम द इक्वेटर इस यहाँ पर अगर आप देखें तो एम ओ सी जो लार्ज पार्ट है गल्फ स्ट्रीम का जो कि वार्म वाटर इक्वेटर से ऊपर की तरफ लेकर जाता है वार्म वाटर ऊपर से ठंडा पानी नीचे की तरफ आता है तो ये स्टेटमेंट गलत है बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं ठीक है तो ये ध्यान में रखना है जैसे इस तरीके से आपका सर्कुलेशन हो रहा है इधर आपका ये अटलान्ट ओन है दिस इज एटलांटिक ओसचन और ऊपर साइड अगर आप देखोगे Uh, है ना ऊपर साइड अगर आप देखोगे तो ऊपर से इमिंगर करेंट याब्राडोर करेंट्स आपके है इधर से गल्फ स्ट्रीम है तो से पानी गर्म पानी ऊपर की तरफ जाएगा ठंडा पानी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये आपको ध्यान में रखना है तो ये सर्कुलेशन आपका वीक हो रहा है आंसर इसका जो है दैट इज़ वन एंड थ्री नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक ब्राउड बैबलर हैज़ बिन रिसेंटली डिस्कवर्ड आफ्टर एटीन इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ तो ये अगर न्यूज़ uh, देखी जाए आपको तो uh, इसका भी द गार्डियन में न्यूज़ आई है ब्लैक ब्रॉड बैबलर फाउंड इन बोर्नियो बॉर्नियो में ठीक है तो यहाँ पर ध्यान में रखना बोर्नियो बॉर्नियो जो है वहाँ पे इसको आ, ये मिला है ठीक है सो ब्लैक ब्राउड बैबलर हैज़ बिन रिसेंटली रीडिस्कवर्ड सो स्टफ्ड डिस्प्लेसमेंट वॉज ओनली द प्रूफ ऑफ बर्ड एग्जिस्टेंस अंटिल डिस्कवरी तो बोर्नियो में ये बर्ड आपकी दोबारा से देखी गई है एक सौ अस्सी साल पहले देखी गई थी तो बॉर्नियो में देखने को मिला है ठीक है जो कि आपका इंडोनेशिया मलेशिया के पास लोकेटेड है तो इसको आप देख सकते हैं नेक्स्ट आई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चोरमोस क्या क्वाओ रिसेंटली न्यूज तो यहाँ पे अगर देखोगे वट इज चोर चोरमोस मोनूमेंट बींग बिल्ट इन बर्ली तो अ न्यू सेक्रेड बिल्डिंग विद द एम ऑफ ब्रिंगिंग क्रिश्चियंस जूज एंड मुस्लिम टू अ सिंगल प्लेस ऑफ वर्शिप लोकेटेड इन पेरिस तो ये क्या है ये लोकेटेड है आपकी बर्लिन में तो ये आपको ध्यान में रखना ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी लोग अपने जैसे क्रिश्चियंस जूस मुस्लिम आए और अपना वर्शिप करें करेक्ट आपको बताना तो आंसर आपका है दैट इज़ वन ओनली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैराकल रिसेंटली न्यूज़ में था देखो क्वेश्चन आप देख सकते हो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन नहीं कि ये ब्रिज बन गया ये इसको पुरस्कार मिल गया इसने ये आविष्कार कर दिया देखो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो इस चीज़ को जिस दिन हम समझ लेंगे चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए अब यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस भी करना है द गार्डियन भी करना है डाउन टू अर्थ भी करना है हर चीज़ को कवर करना है हर चीज़ को मतलब अगर वो चीज़ें इंपॉर्टेंट चल रही तो आपको आपकी नज़र उसमें होनी चाहिए पेपर एक ही फॉलो करना है और इसलिए आपको ऐसा नहीं कि आप दिन में दस पेपर पढ़ो वो तो पॉसिबल नहीं है एक सोर्सेज द हिंदू लेट्स क्रैक यू पी में जो नौ बजे होता है उसको करो और साथ में ये सेशन को करते रहो तो एटलीस्ट आपका काफी हद तक सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगी बट नोट्स जरूर से प्रिपेयर करो सब्जेक्ट वाइज ठीक है तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैराकल रिसेंटली इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में इसको आपका इंक्लूड किया गया है इन इंडिया फाउंड इन पार्ट ऑफ केरला और कर्नाटका इन इंडिया इट इज़ कॉल्ड सियाघोस अ पर्शियन नेम द ट्रांसलेट एज अ ब्लैक ईयर तो यहाँ पे ये इंडिया में राजस्थान में मिलती है और गुजरात में ठीक है राजस्थान एंड गुजरात ये इंडियन एक्सप्रेस की ही न्यूज़ है कैरेकल हैज़ ट्रेडिशनल बिल वैल्यूड फॉर इट्स लिथनेस एक्सट्री एबल्टू कैच बर्ड्स इन फ्लाइट इट वॉज फेवरेट कोर्सिंग और हंटिंग एनिमल इन मिडिवल इंडिया ठीक है तो ये ये आपको ध्यान में रखना तो इसे अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी में रखा गया है इन फाउंड इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान और गुजरात में ये है और यहाँ पे तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट जो आपका है ये गलत हो गया बाकी दोनों सही हैं आंसर है दैट इज़ वन एंड थ्री नेक्स्ट देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉफी प्रोडक्शन सो ये भी हिंदू की न्यूज़ है जिस पर बेस्ड आपका एक प्रश्न है और ट्रॉपिकल एवरग्रीन श्रब की बात की गई है द अरेबिका स्पीसीज ऑफ कॉफी इज कल्टिवेटेड मोस्टली इन अफ्रीका वाइल्ड द रोबस्टा स्पीसीज प्रिडामिनेट्स इन लैटिन अमेरिका क्लाइमेट फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉफी ग्रोथ आर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आपको करेक्ट बताना है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो uh, जो ये सेकेंड सेकेंड स्टेटमेंट है द अरेबिका स्पीसीज ऑफ कॉफी इज कल्टिवेटेड मोस्टली इन लैटिन अमेरिका ठीक है लैटिन अमेरिका में ज़्यादातर आपका कैल इसको ग्रो किया जाता है वाइल्ड रोबस्टा स्पीसीज प्रोडोमिनेट्स इन अफ्रीका ठीक है ये एक्सचेंज कर दिया गया है ये अफ्रीका तो ये स्टेटमेंट गलत है ट्रॉपिकल एवर अगेंस्ट श्रब है और क्लाइमेटिक फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉफी ग्रोथ आर टेम्परेचर एंड रेनफॉल तो रेनफॉल अभी जैसे अभी न्यूज़ भी आई थी हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले द हिंदू के अंदर रेनफॉल की वजह से बहुत हद तक ये जो Uh, इनकी जो बेरीज़ हैं वो आपकी ख़राब हो जाती हैं जिससे फिर कॉफ़ी प्रोडक्शन आपका थर्टी परसेंट से रिड्यूस हो जाएगा अनटाइमली रेनफॉल की वजह से तो आंसर जो है दैट इज़ वन एंड थ्री सो आज के लिए इतना ही आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा uh, अन अकेडमी से जुड़ने के लिए यू कैन यूज़ द कोड एस पी एल आई वी ई काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफ़ी सारे अच्छे कोर्सेस आपके लॉन्च हो रहे हैं मेरे कोर्सेस आने वाले हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल अगर आप आईएफएस की तैयारी कर रहे हो आई की कर रहे हो तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ठीक है तो ये आपका जल्द से जल्द बैच शुरू होगा मे बी अप्रैल से शुरू होगा ठीक है so तो आज के लिए इतना ही थैंक यू एवरीवन लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें और द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें थैंक यू एवरीवन लेट्स इट लेट